हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैजिक कुकिंग चैनल। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम साबूदाना लिया है। इसे हमें पानी से एक बार धो लेना है। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। इस पानी को फेंक दीजिए। तो साबूदाना के ऊपर आधा इंच तक पानी रहे, इतना पानी हमें ऐड करना है। अब हमें इसे 6 घंटे तक सोक करने के लिए रख देना है। तो साबूदाना अच्छे से भीग गया है, आप देख सकते हो। तो साबूदाना को हमें 6 घंटे तक ही सोक करना है, इससे कम नहीं करना है। अब हम इसे मिला लेंगे ताकि साबूदाना सेपरेट हो जाए। अब मिक्सर जार में डाल दीजिए 1 कप भुना हुआ मूंगफली, 7-8 हरी मिर्च, मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा हरी मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच शक्कर। इसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे दरदरा पीस कर इसकी पाउडर बना लेनी है। अब हमने जो साबूदाना सोक किया था उसमें इस मूंगफली की पाउडर को ऐड करना है। 1 ग्रेट किया हुआ उबला हुआ आलू, आपको इसमें ज़्यादा आलू नहीं डालना है, सिर्फ एक ही आलू डालना है। अगर आप इसमें ज़्यादा आलू डालोगे तो साबूदाना वड़ा तेल में टूट जाएगा। स्वादानुसार नमक, इसे मिला लीजिए। तो दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है मैजिक मीनाक्षी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो चलिए अब इसके वड़ा बनाते हैं। सबसे पहले हमें मीडियम साइज़ का गोला बनाना है। तो इस गोले को हमें दोनों हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके इसे वड़े की शेप देनी है। तो दोस्तों, अगर जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप उसी रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बिल्कुल बनेगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। 1 कढ़ाई में डाल दीजिए तेल। तेल को हमें मीडियम हीट पर गर्म करना है। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल दीजिए साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा को हमें मीडियम हीट पर ही तलना है। तो 3 मिनट बाद इस वड़े को हमें पलट देना है और दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई करना है। इसे एक बार फिर से पलट दीजिए। तो आप देख सकते हो अब वड़ा क्रिस्पी दिख रहा है, इसे निकाल लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ वड़ा क्रिस्पी बना है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बीच में से भी बिल्कुल कच्चा नहीं है और ये खाने में बहुत क्रिस्पी था।